एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है आकृति और आज हम जा रहे हैं द स्कूल ऑफ अल्टरनेट सैक मॉल स्कूल। और बहुत सारे लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी और जिन्हें हम फुनसुक वांगड़ू के नाम से जानते थे वो द ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर सोनम वांगचुक हैं और जो कि को फाउंडर हैं सैक मॉल कैंपस के। और अब हम पहुँच गए हैं सैक मॉल कैंपस और आप देख सकते हैं कि ये वो एक्सपेरिमेंटल बच्चे हैं जिसकी वजह से ये स्कूल ऑफ अल्टरनेट्स कहा जाता है, यानी वो बच्चे जो अपनी मर्जी से जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें, जो भी वो सोचते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें फ्रीली आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर। और ये वो मटेरियल है जिससे बिल्डिंग बनाई गई है, उसको यहाँ पर शो किया गया है। इनका जो बिल्डिंग है स्कूल का उसे टेरा बिल्डिंग बोलते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है जो लद्दाख के टेम्परेचर और वेदर को कंट्रोल कर सके और अंदर पूरा वार्म रहे। और ये उनका एंट्रेंस है, ये सारी पेंटिंग्स हैं, ये सारी डेकोरेशन, ये न्यूज़पेपर है जो उन्होंने सारी चीज़ें वार्म के लिए, हीट के लिए यहाँ पे यूज़ की हैं। द फील द डिफरेंस, ये चीज़ें आप टच करके फील कर सकते हो कि जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा रेडिएशंस लेता है। आप देख सकते हो पूरी बिल्डिंग ब्लैक कलर से पेंट है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके। और ये सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं जो बच्चों ने बनाई हैं। ये बच्चों का यहाँ पर ये आर्ट रूम बोल सकते हैं, यहाँ पे वो अपने पेंटिंग्स करते हैं, अपने पेबल पेंटिंग करते हैं, नॉर्मल पेंटिंग्स करते हैं, जो भी वो पेंटिंग से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं वो करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा स्कूल बच्चे ही मैनेज करते हैं, मतलब जो यहाँ पर आपको कुछ भी दिख रहा है वो सारी चीज़ें बच्चों ने ही की हैं। बनाना, मैनेज करना, मेंटेन करना, क्लीन करना, सारे काम यहाँ पर बच्चे ही करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी इसकी सफाई चल रही है यहाँ पे और सबको ड्यूटी मिलती है कुछ ना कुछ काम करने की, तो जिसकी ड्यूटी होगी वो मिलके इसको क्लीन करेगा। तो वो लोग अपना ये जो आर्ट रूम है इसको सेट कर रहे थे तो बट हमने बोला इसलिए उन्होंने हमें दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारी चीज़ें बच्चों ने किस तरीके से यहाँ पर मैनेज की हुई हैं और बहुत डिफरेंट और यूनिक सी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर देखने के लिए अगर आप विज़िट करते हैं तो। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। और ये है गाइज उनका हॉल है, जैसे हमारे भी स्कूल्स में हॉल होते थे कि अगर कोई कंबाइंड मीट करना है और कोई भी चीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई अनाउंसमेंट है, तो सारी चीज़ें सारे बच्चे यहाँ पे हॉल में इकट्ठा होते हैं, उसके बाद उनके डिस्कशंस होते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो कुछ भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, पेबल पेंटिंग्स हैं, थ्रेड पेंटिंग्स हैं और जितनी भी सारी नई नई एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सारे बच्चों ने ही किए हैं। यहाँ पर वही स्कूल को मैनेज कर रहे हैं और अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पे और सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। और ये उनका ह्यूज लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल था। और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं और उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं जो कि उनको बुक्स मतलब देते भी हैं बच्चों के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी और ये काफ़ी बड़े स्पेस में था। और ये बहुत प्यारी एक चीज़ मुझे लगी है, वर्ड वॉल। तो उन्होंने बताया इसके बारे में कि जो भी बच्चा यहाँ नए वर्ड सीखता है वो आके उसको यहाँ पर लिख देता है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी से, वुडन से सारी चीज़ों को मैनेज किया। ये इनका स्टोर रूम है जो ग्रेन स्टोरेज है, तो यहाँ पे जो स्कूल में जो भी ग्रेन्स हैं, जो चावल है, दाल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर होती हैं। और देख सकते हो आप कितना मैनेज्ड है। ये उनका वेजिटेबल स्टोर है, ये भी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं यहाँ पर खुद से और वो उसको मैनेज भी करते हैं। बच्चे हैं जो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने इस टाइप से इस रूम को बनाया है। जैसे हम लोग हमारा फ्रीज़र रूम बोलते हैं जिसमें वेजिटेबल्स रखते हैं, बहुत दिन तो वो ख़राब नहीं होते, तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है। नीचे पूरे पैबल से जिस पर टाइमली पानी डालते हैं जिससे रूम का टेम्परेचर मैनेज रहता है। और ये भी उन्होंने बताया किसी बच्चे ने अपना आइडिया लगाया था कि ये सोनम सर की फर्स्ट कार थी और वो ऐसे ही खड़ी थी, तो उन्होंने सोचा कि इसको कुछ यूज़ किया जाए, तो बच्चों ने इसका इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाया है यहाँ पर। और अंदर आप देख सकते हैं लद्दाख का जो भी ट्रेडिशनल है यहाँ पे, तो उन लोगों ने उसको यहाँ पर एक मतलब ऐसा पोर्ट्रे किया है कि वो एक रूम है जहाँ पे आपको उनकी बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिलेगी, लाइक कि उनका फीमेल का ट्रेडिशनल ड्रेस है, मेल का ट्रेडिशनल ड्रेस है और भी बहुत सारी यूनिक चीज़ें। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो किचन है, जो लॉन्ड्री है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो बच्चे ही मैनेज करते हैं, यानी किचन में जो कुकिंग भी होती है वो भी बच्चे ही करते हैं और लॉन्ड्री का भी काम सब बच्चे ही करते हैं। यहाँ पे कोई आउटसाइडर नहीं है जो यहाँ पे काम करने आता है, तो वही अपना स्कूल रन कर रहे हैं। ये इनका रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल वाला प्लांट है, तो यहाँ पे जो भी गार्बेज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। आप देख सकते हो बॉटल्स अलग हैं यहाँ पर, कार्डबोर्ड्स अलग हैं, ग्लासेस अलग हैं
और भी जो भी वेस्ट होता है अलग से जो यूज़ नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर कर दी जाती हैं, ताकि जो भी बच्चों को कोई आइडिया आता है और वो इन चीज़ों से कुछ डिस्कवर करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, तो वो यहाँ से वो सामान लेके जाकर उसको बना सकता है। तो उसे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सामान उन्हीं बच्चों के लिए है, वही लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़े एरिया में स्कूल है, और प्लस इन लोगों ने अपने खुद का पूरा गार्डन, प्लांटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चे करते हैं। ये बॉटल वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारे बॉटल्स होते हैं वेस्ट में हम लोग फेंक देते हैं, तो बच्चों ने वहाँ पर उन बॉटल्स को भी आप देख सकते हो पेड़ों को पूरा कवर किया हुआ है। जो हम लोग इरीगेशन वगैरह पढ़ते थे स्कूल में कि आप वाटर के ड्रॉप ड्रॉप ऐसे उसमें जाता रहेगा, तो अगर आप बहुत टाइम पानी नहीं देते हो तब भी प्लांट्स को पानी मिलेगा, तो एक्चुअली हम पढ़ते ही थे और ये लोग यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, ये डिफरेंस है। और ये भी इनका अंदर हम लोगों ने जाके देखा, जैसे ग्रीन एनर्जी या जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये पूरा क्लोज कॉम्पैक्ट सिस्टम पूरा बना हुआ है यहाँ पे पूरा। ये जो मुझे इनका ब्लैक कॉन्सेप्ट लगा, जो ये सारी बॉटल्स हैं ये सब वेस्ट बॉटल हैं जो ऊपर हैं, बस इनको ब्लैक पेंट किया हुआ है ताकि ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करें और पूरा टेम्परेचर को मेंटेन करें। तो यहाँ पे फ्रूट्स, वेजीज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे यहाँ पर खुद से ग्रो अप करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हर बच्चे की कुछ ना कुछ करने की ड्यूटी है जो कि चेंज होती रहती है। तो आज कोई गार्डन का काम करेगा, आज कोई किचन में काम करेगा, आज किसी को लॉन्ड्री करनी है, और भी जो क्लीन करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे मैनेज करते हैं। रिसेप्शन पे भी आपको मिलेंगे, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट करते हैं, मैनेज भी करते हैं, डील्स भी, मतलब सारे जो क्या बोलेंगे उसको, कोई भी अनाउंसमेंट है या कुछ भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बट जो एग्जीक्यूट करते हैं वो यहाँ पर मेनली बच्चे ही सारी चीज़ें करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बनाई गई हैं, और पूरा मैंने कवर किया था, फ्लावर्स भी हैं, वेजीज हैं, फ्रूट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। और ये उन्होंने बताया था बच्चे जो टीम के कुछ बॉक्सेस बच जाते हैं उसमें भी प्लांट्स लगाते हैं। प्रॉपर अल्टरनेट जो स्कूल है, जो सैकमॉल है, उनका प्रॉपर यही है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, बस आपको उस वेस्ट से कुछ प्रोडक्टिव बनाना है। ये उनका किचन है, मैंने अंदर विजिट नहीं किया था, और ये पूरा आउटर है आप देख सकते हो, और पूरे यहाँ पे गार्डनिंग, प्लांटिंग वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं। यहाँ भी इनका एक हॉल था जहाँ पे पूरा सारी चीज़ें होती हैं। ये देखा आपने, ये पेबल पेंटिंग्स हैं, तो बाहर बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ पे करते ही रहते हैं, तो वो पेबल से उठा के इस पर पेंटिंग करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ पेस्ट करते हैं, और कुछ ना कुछ यूनिक यहाँ पे करते रहते हैं। ये यहाँ पे हॉर्सेस भी हैं, और उनके लिए यहाँ पर पूल वगैरह भी है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे चाहें तो वो यहाँ पे हॉर्स राइड वगैरह भी सीखते हैं, और ये भी सैकमॉल का ही पार्ट है। सो गाइस, ओवरऑल हमारा सैकमॉल का कैंपस टूर हो चुका है, और अब हम निकल गए हैं वापस। सो आई होप कि आपको ये सैकमॉल कैंपस का टूर पसंद आया होगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई आपके को बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।